बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ एमटीएच 322 रियल एनालिसिस 2। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। आज हम डिफरेंशिएशन की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ये आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे। रिकॉल दैट इन लास्ट लेक्चर हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था कि इनफैक्ट वी आर इंटरेस्टेड के अगर एफ फंक्शन हो फ्रॉम यूक्लिडियन एन स्पेस टू यूक्लिडियन एम स्पेस, तो देन डेरिवेटिव ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा। इसमें हमने केस वन में पर्टिकुलर केस देखा था कि इफ एन इक्वल टू वन, एम इक्वल टू वन हो, तो फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं। तो इनफैक्ट हमने डिफाइन किया था कि एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफरेंशिएबल एट सी इफ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट एंड वी राइट लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी Our x minus c equal to f dash c. ये f dash c जो है, this is called derivative of f at point c. Let us suppose के इस derivative को हम denote करते हैं a से। यहाँ पे मैंने आपको explain किया था कि हम अगर instantaneous rate से average rate define करें, तो ये जो average change है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, ये इक्वल है ए प्लस सम फंक्शन यू ऑफ एक्स, वेयर लिमिट एक्स टेंड टू सी यू ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो अब जो इक्वेशन वन है हमारे पास, इसको हम रीराइट कर सकते हैं। वन इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस सी प्लस यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी। यहां पे हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम एक्स को सी प्लस एच पुट कर लें, देन एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ए एच प्लस सम फंक्शन ऑफ एच इनटू एच, वेयर फाई ऑफ एच इज इनफैक्ट यू ऑफ सी प्लस एच। अब इस डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें तो यहां पे लेफ्ट साइड पे जो है ये चेंज इन एफ ऑफ एक्स है, और यहां पे ये ए इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद चेंज इन एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स टाइम्स चेंज इन एक्स। तो डेरिवेटिव की ये एक अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डेरिवेटिव को चेंज से डिफाइन कर लेते हैं, और इसमें ए जो है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल की थी, जिसमें चेन रूल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर था, और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव था। इनफैक्ट आप इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज अगर नोट करें तो हमारे पास एक रिजल्ट है
फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के केस में इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफरेंशिएबल एट सी देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी बिकॉज इसकी रीजन ये थी कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज करें, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड टू सी एक्स माइनस सी। अब राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट लिमिट है ये एफ डैश सी के इक्वल है इंटू जीरो, सिंस एफ डैश सी एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सो एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। तो हमने नोट किया कि अगर कोई फंक्शन एफ किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे मस्ट कंटिन्यूअस होता है। अब व्हाट अबाउट द कन्वर्स? कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। अब इसकी एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है इसको हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव माइनस ऑफ एक्स माइनस जीरो ओवर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन। बट राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो फ्रॉम राइट साइड अप्रोच करें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के केस में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से रिलेटेड हैं और जो आज के लेक्चर में हमने यूज करने हैं वो हम रिकॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले रोल्स थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में है। इसकी स्टेटमेंट ये है लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट फर्स्ट कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेकंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड थर्ड वन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट
f dash at c is equal to 0. Dear students, Rolle's theorem हमें ये बताता है कि suppose हमारे पास एक function है y is equal to f of x, such that से ये a point है, ये b point है, ये value f of a, f of b है. तो आप नोट करें कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. तो इस इंटरवल में कहीं एक पॉइंट सी मस्ट एग्जिस्ट करेगा कि इस सी पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा. अब क्योंकि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, सो इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का मतलब यह है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी एफ ऑफ सी. सो टेंजेंट टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सी एफ ऑफ सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. से ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो ये रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्री थी. अब रोल्स थ्योरम को जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है. अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट यह है कि लेट ए फंक्शन एफ बी सच दैट f is continuous on ab, f is differentiable on open interval ab, then there exists a point c belonging to ab such that f of b minus f of a over b minus a is equal to f dash at c. यहां पे से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये सपोज हमारे पास कोई एक कर्व है y इज ए फंक्शन ऑफ x. यहां पे हम से ये पॉइंट a लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट b है. अब नोट करें कि यहां पे रोल्स थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रही, दैट इज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. सो ये लेस कंडीशनल थ्योरम है, लिहाजा रोल्स थ्योरम की जनरलाइज्ड फॉर्म है. तो अब अगर हम से ये पॉइंट पी ले लें, ये क्यू ले लें, तो ये कॉर्ड पी से क्यू तक ये कॉर्ड प्लॉट होगी. अब इस पॉइंट पे अगर ऑब्जर्व करें टेंजेंट, तो ये टेंजेंट लाइन जो है ये से इस पॉइंट पे है विच इज सी एफ ऑफ सी, और स्लोप ऑफ पी क्यू कार्ड देखें तो ये पॉइंट ए एफ ऑफ ए और ये क्यू पॉइंट बी एफ ऑफ बी है. तो स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू जो बनती है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए है, और सी एफ ऑफ सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसकी स्लोप एफ डैश सी है. तो क्योंकि ये कार्ड और टेंजेंट पैरेलल हैं, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो इसको ज्योमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी एफ ऑफ सी इज पैरेलल टू कार्ड पी क्यू. ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और उसकी ज्योमेट्री थी. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि ये जो इक्वेशन से स्टेरिक है, स्टेरिक को हम इस फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, और वी कैन राइट
f of a plus h minus f of a is equal to f dash at a plus theta h into h, where c हमने assume किया a plus theta h और b equal to a plus h. Observe that कि जब आप b को a plus h लेते हैं तो जो interval a b है ये a to a plus h form में आ जाएगा. लिहाजा इस केस में a और a plus h के in between जो भी पॉइंट लेंगे वो मस्ट a plus theta h form में होगा, क्योंकि theta हमने between 0 and 1 लेना है. theta 0 1 interval से लेते हैं हम theta, क्योंकि 0 और 1 के in between है. so 0 is less than theta h is less than h, and this implies a into a plus theta h is less than a plus h. so a और a plus h के in between कोई भी point लेंगे तो वो a plus theta h form में होगा. लिहाजा c को हमने a plus theta h form में let कर लिया. तो यहां से आप f of a plus h को लिख सकते हैं f of a plus h f dash at a plus theta h. ये mean value theorem की statement है a to a plus h interval form में. Dear students, यहां तक तो ये function आप one variable के जो derivatives हैं उनकी हमने discussion की. जैसे कि मैंने start में बताया कि in fact हम interested हैं Rn to Rm type के function की differentiability में. so हमने first of all जो simple case था n भी 1 लें m भी 1 लें तो ये function from R to R बनते हैं, इनकी properties discuss की. अब next हम differentiability discuss करते हैं of f from R to R. That is, n हमने 2 ले लिया और m की value 1 let कर ली. तो इस case में जो function होंगे इनकी differentiability हम किस तरह check करेंगे. अब note करें कि जो domain है यहां हमारे पास R square है, Euclidean 2 space है, this is R square, और जो co-domain set है इस function के लिए वो R है. so हम यहां पे कोई point xy लेंगे और इस point को map करेंगे under the function f, तो ये image f of xy आएगा जो एक single real number है. तो अब इस case में इस function की differentiability किस तरह हम define करेंगे ये हम देखते हैं. सबसे पहले note करें कि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या है इन केस ऑफ वन वेरिएबल. इन केस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल अगर हम एक पॉइंट ए लेते हैं, से यहां पे ए प्लस डेल्टा पॉइंट है, ये ए माइनस डेल्टा है, तो ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए. सिमिलरली इन केस ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डेरिवेटिव हम ऑलवेज नेबरहुड में डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम टू वेरिएबल्स में एक पॉइंट लेते हैं से ए बी, और इस पॉइंट का नेबरहुड हम डिफाइन करते हैं. तो ए बी पॉइंट का नेबरहुड इनफैक्ट ये एक डिस्क होगी centered at AB and radius say delta. तो neighborhood of AB, इसको मैं denote n delta AB से कर रहा हूं, और इसकी definition होगी set of all ordered pairs xy such that x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square. तो ये basically neighborhood है ए बी पॉइंट का.
आई होप कि आपको नेबरहुड का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में नेबरहुड इंटरवल होता है, जबकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में नेबरहुड हम एक डिस्क ले रहे हैं। एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम्स साई ऑफ एच के वेयर फाई साई टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो जीरो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन को आप कंपेयर करें फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। इन केस एफ फ्रॉम आर टू आर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एच प्लस सम फंक्शन फाई डिपेंडेंट ऑन एच वेयर लिमिट एच टेंड टू जीरो फाई ऑफ एच जीरो था। तो अब यहां पे हमने एक्स के नेबरहुड में से ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा, ये एक्स माइनस डेल्टा, ये नेबरहुड ऑफ एक्स है। यहां पे हमने एक पॉइंट चूज किया है एक्स प्लस एच। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंश्योर होती है इस इक्वेशन से कि एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट एक्स अगर एफ की वैल्यू इस नेबरहुड पॉइंट पे लें माइनस एफ की वैल्यू एट पॉइंट एक्स, तो ये चेंज इन वैल्यू ऑफ एफ इक्वल हो ए टाइम्स चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस अनदर फंक्शन फाई ऑफ एच टाइम्स एच। तो सिमिलरली अगर इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं पॉइंट ए बी पे, ये से इसका नेबरहुड है। अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी ए बी या एक्स वाई पे आप चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने नेबरहुड में एक पॉइंट चूज किया एक्स प्लस एच वाई प्लस के। अब फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड पॉइंट पे जैसे यहां पे था माइनस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे आप डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे इक्वल टू ए टाइम्स चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विच इज एच प्लस बी टाइम्स चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विच इज के प्लस एच टाइम फंक्शन फाई जैसे यहां पे ये टर्म थी और प्लस के टाइम्स अनदर फंक्शन साई। तो अगर एफ फंक्शन एक्स वाई पॉइंट पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे एफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स वाई। डियर स्टूडेंट्स, अब इन केस ऑफ टू वेरिएबल हम इसको एज ए डेफिनेशन लेकर चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। सो फर्स्ट थ्योरम हम इसमें डिस्कस करते हैं। इफ एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई देन डिफरेंशियल ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई। रिकॉल दैट पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट पॉइंट ए बी दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एच एंड पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट ए बी इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी
डिवाइडेड बाय के। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव या डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके अलॉन्ग ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शो ये करना है कि अगर एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो आर स्क्वेयर टू आर, तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को हम प्रूफ करते हैं। गिवन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई, सो इफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के बी ए पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ एक्स वाई, देन डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच टाइम फंक्शन ऑफ एच के प्लस के टाइम अनदर फंक्शन ऑफ एच के। बेसिकली ये जो टर्म्स हैं नोट करें कि इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स दीज आर एरर टर्म्स। तो क्योंकि एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल था सो हमने डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, वेयर फाई साई टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो जीरो। डियर स्टूडेंट्स अब ऑब्जर्व करें कि ये जो इसकी लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की, इसको हम चेंज इन एफ कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने शो ये करना है कि यहां पे डी एफ किसके इक्वल है। तो ये टर्म जो है ए एच प्लस बी के, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ एफ। नो डी एफ इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ एफ। अब आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम के को जीरो पुट करें और एच अप्रोच टू जीरो लें इन वन, तो देन व्हाट्स हैपेंड इफ k इज इक्वल टू जीरो एंड एच टेंड टू जीरो, देन वन इंप्लाइज इक्वेशन वन को ऑब्जर्व करें, k को जीरो एज्यूम करें और h अप्रोचेस टू जीरो लें, तो हमारे पास इक्वेशन वन आ जाएगी f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x y इज इक्वल टू ए एच प्लस, ये टर्म ए एच और के जीरो होने से बी जीरो हो जाएगी, ये बी वाली टर्म्स, और के जीरो लेंगे तो ये एच इंटू फंक्शन ऑफ एच रह जाएगा और के जीरो होने से ये टर्म जीरो हो जाएगी। सो ए एच प्लस एच टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एच एंड दिस इंप्लाइज लिमिट h tend to 0 f of x plus h y minus f of x y divided by h is equal to a, since limit h tend to 0 phi of h 0 के इक्वल होगा। और ये क्लियरली पार्शियल f और पार्शियल x है एट पॉइंट एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू a। डियर स्टूडेंट्स नोट करें कि अब अगर हम एच को जीरो लें और के टेंड्स टू जीरो लें और अगेन सब्स्टिट्यूशन करें इक्वेशन वन में, तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इफ एच इक्वल टू जीरो एंड के टेंड्स टू जीरो, देन वन इंप्लाइज
पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू बी से ये इक्वेशन थ्री ये इक्वेशन फोर पुट थ्री एंड फोर इन इन टू सो डी एफ दैट इज चेंज इन एफ इज पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इंटू एच प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इंटू के लेट एच इज इक्वल टू डी एक्स बिकॉज एच जो है ये चेंज इन एक्स है एंड के इज इक्वल टू डी वाई देन डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई अगेन डी एफ इज द डिफरेंशियल ऑफ एफ और पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई टर्म जो हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट से एफ फंक्शन के और ये चेंज इन एक्स और ये चेंज इन वाई है तो ये फंडामेंटल रिजल्ट था इन केस के हम एन टू लें और एम वन लें तो इस केस में अगर एफ को हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एज्यूम करें तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि जिस तरह फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में हमने देखा था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सेम रिजल्ट ट्रू है इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो इसको हम देखते हैं इफ एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स वाई तो इसका सोल्यूशन एज एन एक्सरसाइज ये आपने खुद करना है अगेन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में आप एज्यूम करना कि एफ डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर देना और जिस तरह मैंने फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस डिस्कस किया है यहाँ पे भी आप चेक कीजिएगा कि अगर एफ डिफरेंशिएबल हो एट पॉइंट एक्स वाई तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एक्स वाई पे तो इसको आपने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग केस ये है कि व्हाट इज द कन्वर्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू क्योंकि हमने देखा था कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में भी कन्वर्स ट्रू नहीं है तो सेम केस इज हियर कि यहां पे भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वन ओवर एक्स इफ प्लस वाई साइन वन ओवर वाई क्योंकि हम फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हैं इफ एक्स वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट जीरो जीरो कंसीडर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन वन ओवर एक्स प्लस वाई साइन वन ओवर वाई और जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है। डियर स्टूडेंट्स अब यहां पे आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो एक्स मॉड साइन वन ओवर एक्स
plus y mod sine 1 over y mod by triangle inequality, and this is less than or equal to mod of x plus mod of y, because sine theta mod always less or equal to 1 hota hai. So sine 1 over x mod and sine 1 over y mod less or equal to 1 honge. Ab note kare ke agar f of xy minus f of ab mod less than epsilon ho, whenever x minus a mod is less than delta and y minus b mod is less than delta ho, तो इस केस में f फंक्शन कंटीन्यूअस होता है. सो ये f इज कंटीन्यूअस एट ए बी इफ ये कंडीशन होल्ड करे. सो मैंने f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ ए बी मॉड को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है व्हेन एवर x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा एंड y माइनस b मॉड इज लेस देन डेल्टा. लिहाजा कंटिन्यूटी एट 0 0 चेक करने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स वाई कंसिडर किया माइनस एफ ऑफ 0 0, इसका मॉड देखा तो ये लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई है. अब ऑब्जर्व करें कि अगर हम एक्स माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल्टा लें, वाई माइनस 0 का मॉड भी लेस देन डेल्टा लें, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई स्ट्रिक्टली लेस देन 2 डेल्टा है. और इसको अगर हम एप्सिलॉन डिक्लेयर करें तो यहां से डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगी. सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus 0 mod is less than delta and y minus 0 mod is less than delta. This implies f is continuous at 0 0. तो यहां तक इसको दोबारा ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम शो ये करना चाहते हैं कि f x y जो इस पर्टिकुलर वे में फंक्शन डिफाइंड हुआ है, ये फंक्शन ओरिजिन पे कंटिन्यूस तो है बट 0 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो फिलहाल मैंने इसको प्रूव किया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट ओरिजिन. नेक्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की चेक करते हैं एट ओरिजिन. अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट 0 0. हम कंट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं. सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, देन एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के टाइम्स साई फंक्शन विच इज एच के, वेयर फाई साई अप्रोचेस टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0 0. डियर स्टूडेंट्स, अब एफ ऑफ एच के की वैल्यू नोट करें. तो f ऑफ एच के, क्योंकि एच के पॉइंट नेबरहुड में है, सो एच के बोथ आर नॉन जीरो, लिहाजा f ऑफ एच के की वैल्यू आप फंक्शन की इस वैल्यू से निकालेंगे विच इज h साइन 1 ओवर h प्लस k साइन 1 ओवर k. लिहाजा f ऑफ एच के इज h साइन 1 ओवर h प्लस k साइन 1 ओवर k, एंड 0 0 पे बाय डेफिनेशन वैल्यू 0 है. दिस इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के साई. इसके बाद हम
ए और बी फाइंड करते हैं, एज ए इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट 0 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0। अब एफ ऑफ एच 0 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एच और 0 का प्रोडक्ट 0 है, तो जिस तरह हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि इफ एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो तो ये फंक्शन अप्लाई करना है, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 हो तो फिर ये फंक्शन अप्लाई करना है। सो क्योंकि एच और 0 का प्रोडक्ट 0 है, सो एफ ऑफ एच 0 इज 0, एफ ऑफ 0 0 इज ऑल्सो 0 डिवाइडेड बाय एच, सो ए इज 0। एंड इसी तरह अगर आप बी फाइंड करें विच इज पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट 0 0, तो ये बाय डेफिनेशन होगा लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय के, दिस इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय के एंड दिस इज 0। सो ए और बी की वैल्यू 0 आ जाती है। अब ए और बी की वैल्यू आप बैक पुट करें इक्वेशन 1 में, देयरफॉर 1 इंप्लाइज एच साइन 1 ओवर एच प्लस के साइन 1 ओवर के इज इक्वल टू एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है एफ डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 0 0, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो लिमिट आप किसी भी डायरेक्शन से फाइंड करें ये लिमिट मस्ट एग्जिस्ट करेगी। सो अगर हम ओरिजिन को अप्रोच करें इस पाथ के अलांग, एच के पाथ के अलांग, इन विच एच इज इक्वल टू के, दैट इज स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, सो इफ एच इज इक्वल टू के देन एच साइन 1 ओवर एच प्लस एच साइन 1 ओवर एच इज इक्वल टू एच फाई ऑफ एच एच प्लस एच साई ऑफ एच एच एंड दिस इंप्लाइज 2 एच टाइम्स साइन 1 ओवर एच इज इक्वल टू एच टाइम्स फाई ऑफ एच एच प्लस साई डिपेंडेंट ऑन एच, एच एच से कैंसल। व्हेन एच टेंड टू 0 2 साइन 1 ओवर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, दैट इज लेफ्ट साइड पे एक अनडिफाइंड टर्म आ रही है और राइट साइड पे ये 0 है, अ कंट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो ये एग्जाम्पल शो करती है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो तो उस पॉइंट पे जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई अवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 इफ इनपुट इज 0, देन शो दैट पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट 0 0 एंड पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट 0 0 एग्जिस्ट बट एफ इज
not differentiable at 0, 0. डियर स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल शो करेगी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो. सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट 0, 0. दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय एच. दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0. आप नोट करें एफ ऑफ एच 0 की वैल्यू, इसमें एक्स को एच और वाई को 0 पुट करें, क्योंकि एच 0 पॉइंट जो है ये नॉन 0 पॉइंट है बिकॉज एच अप्रोचेज टू 0 है. सो आप इस फंक्शन में सब्सिट्यूट करें तो एक्स को एच पुट करें, वाई को 0 डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर माइनस 0, 0 पे वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एच. सो होल टर्म इज 0. इट मीन्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट 0, 0 एग्जिस्ट. सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट 0, 0 वो भी 0 आएगा. सो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एग्जिस्ट एट 0, 0. अब हमने नेक्स्ट ये शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन, डिफरेंशिएबिलिटी एट 0, 0. सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, देन एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के साई. अब एफ ऑफ एच के की वैल्यू, क्योंकि एच के आर्बिट्ररी है सो हम ये वैल्यू इसकी लेंगे एच स्क्वेयर के ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, एच स्क्वेयर के ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर. 0, 0 पे वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 है, दिस इज इनफैक्ट ए एंड बी, सो ए और बी 0 है, ये इनफैक्ट बी है, और इसी तरह ये टर्म जो हमने फाइंड की थी ये ए है. लिहाजा ए और बी 0, 0 हो गए प्लस एच फाई एच के प्लस के डिपेंडेंट ऑन साई डिपेंडेंट ऑन एच के. इफ के इज इक्वल टू एच, अगेन हम केस ले रहे हैं कि अगर हम लिमिट अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स लें, देन एच क्यूब अवर 2h स्क्वेयर इज इक्वल टू एच फंक्शन ऑफ एच प्लस के टाइम्स फंक्शन ऑफ एच, एंड दिस इज इनफैक्ट ऑल्सो एच बिकॉज के इक्वल टू एच. सो आप यहां से नोट करें तो एच स्क्वेयर से कैंसिल और एक एच यहां से कॉमन लें तो रिमेनिंग एच भी कैंसिल हो गया. सो 1/2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच प्लस एन अदर फंक्शन ऑफ एच. व्हेन एच टेंड्स टू 0, 1/2 इज इक्वल टू 0, अ कंट्राडिक्शन. सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0. डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने शो ये किया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी नहीं मिलती कि फंक्शन उस पॉइंट पे खुद भी डिफरेंशिएबल है. ये एग्जाम्पल और इवन इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देख लें तो वहां भी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे थे बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था उस पॉइंट पे. अब नेक्स्ट हम इंटरेस्टेड है कि अंडर व्हाट क्राइटेरिया पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस जो है
वो गारंटी दे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. सो नेक्स्ट थ्योरम, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. अब इनफैक्ट इस थ्योरम में हम देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स पे हम क्या कंडीशन इंपोज करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए. सो इफ एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी सच दैट, सो फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स एट ए बी एग्जिस्ट. सेकेंड, एफ वाई एट ए बी, से दिस इज एफ वाई एट एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए बी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी. लिहाजा कंडीशन ये इम्पोज हुई कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट ए बी. तो इस केस में एफ डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट ए बी. इसका हम प्रूव देखते हैं बाय कंडीशन टू. एफ वाई एट एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए बी, दिस इंप्लाइज एफ वाई इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी. लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी ए पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ ए बी. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टारगेट ये है कि हम एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना चाहते हैं एट पॉइंट ए बी. तो इसके लिए हमने ये शो करना होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट ए बी प्लस के पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट ए बी प्लस एच टाइम सम फंक्शन फाई प्लस के टाइम अनदर फंक्शन फाई. ये हमारे पास टारगेट है, इस टारगेट को हमने अचीव करना है. सो कंसीडर f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस f ऑफ ए बी. अब टारगेट में जो लेफ्ट साइड है उसको मैंने कंसीडर किया है. दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस f ऑफ a प्लस एच बी प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी. यहां पे आप ऑब्जर्व करें कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी ये वैल्यू हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया है. इनफैक्ट अब आप विद इन ब्रैकेट्स जो टर्म्स हैं इनको ऑब्जर्व करें तो इस फर्स्ट टर्म के अंदर ए प्लस एच फिक्स है दोनों में और चेंज आ रही है सेकंड कोऑर्डिनेट में. एंड सेम केस इज हियर के यहां पे बी फिक्स है और चेंज आ रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. सो हमने यहां पे एक वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरह की कि ये टू टर्म्स हमारे पास बन गई. अब यहां पे गिवन ये था कि एफ वाई इज कंटिन्यूस एट ए बी. डियर स्टूडेंट्स, अब रिकॉल करें
कि मीन वैल्यू थ्योरम में हमने देखा था कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एफ डैश एट ए प्लस थीटा एच इंटू एच के इक्वल होता है. सो आप मीन वैल्यू थ्योरम अगर इस फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये हम देखते हैं. कंसीडर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी. अब यहां पे क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स है विच इज ए प्लस एच, सेकंड में चेंज आ रही है सो सेकंड पे आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें. इस टर्म पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम अब जो चेंज आ रही है वो के है और सेकंड कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है सो एफ डैश मींस एफ वाई एट ए प्लस एच फिक्स है और यहां पे बी प्लस थीटा टाइम्स चेंज विच इज के इक्वल आएगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम. डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास वैल्यू मिल गई एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के की. अगेन अब फर्स्ट कंडीशन नोट करें तो ये गिवन था एफ एक्स एट ए बी एग्जिस्ट. अगेन एफ एक्स एट ए बी एग्जिस्ट दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच इज इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच एफ एक्स एट ए बी प्लस एच टाइम्स सम फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एच वेयर phi of h tend to 0 as h tend to 0. ये जस्ट हमने इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्लेस किया है एवरेज चेंज से और यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली. अब जो हमारे पास इक्वेशन वन थी इसकी जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म है उसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है और जो सेकंड ब्रैकेट में टर्म है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन से आ गया है. लेट मी कॉल इट टू एंड दिस इज थ्री. यूजिंग टू एंड थ्री इन वन वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म which is k times f y of a plus h b plus theta k और यहां पर यह mention भी कर दें कि theta between 0 and 1 है. so this is equal to k times f y of a plus h b plus theta k plus और within bracket जो second term थी वो equation 3 से value आ गई h एफ एक्स एट ए बी प्लस एच टाइम्स फाइ. डियर स्टूडेंट्स अब अगर अगेन आप टारगेट को रिविजिट करें तो सबसे पहली टर्म हमें चाहिए थी एच पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट ए बी तो ये टर्म हमारे पास है सो एच एफ एक्स एट ए बी प्लस नेक्स्ट टर्म जो रिक्वायर्ड है के टाइम्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट ए बी और ये टर्म यहां नहीं है सो के टाइम्स एफ वाई एट ए बी क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है सो इस टर्म को मैंने एड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज
के एफ वाई एट ए प्लस एच बी प्लस थीटा के प्लस एच टाइम्स फंक्शन फाई। अब ये एच एफ एक्स एट ए बी प्लस के एफ वाई एट ए बी प्लस एच टाइम्स फाई प्लस के टाइम्स साई, वेयर साई इज इक्वल टू एफ वाई ऑफ ए प्लस एच बी प्लस थीटा के माइनस एफ वाई एट ए बी। तो इन दोनों टर्म से हमने के एज ए कॉमन लेकर जो इनर टर्म बनेगी उसको एज ए साई डिक्लेयर कर दिया। अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी अगर हम शो कर दें कि फाई साई अप्रोचेस टू जीरो एज एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो। अब नोट करें कि फाई तो ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये जीरो को अप्रोच करेगा एज एच टेंड टू जीरो। एंड व्हाट अबाउट साई? नोट करें कि जब एच के जीरो जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएंगी। सो दिस इज एफ वाई एट ए बी माइनस एफ वाई एट ए बी। और वैसे भी क्योंकि एफ वाई कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी ये इंश्योर कर रही है कि लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इस पॉइंट पे जो है ये इक्वल होंगी। क्लियरली फाई साई अप्रोचेस टू जीरो एज एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो। देयरफोर एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। तो ये सफिशिएंट कंडीशन थी डिफरेंशिएबिलिटी की। जस्ट मैं मेन स्टेप्स अगेन रिपीट करता हूँ कि एफ फंक्शन हमने लिया आर स्क्वेयर टू आर, जो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए बी पॉइंट एग्जिस्ट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये कंटिन्यूस है एट पॉइंट ए बी। तो हमने शो ये करना था कि अगर फंक्शन एफ इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट ए बी। अब गिवन कंडीशन टू से क्योंकि एफ वाई कंटिन्यूस है ए बी पे, तो कंटिन्यूस होने की वजह से ये ए बी पॉइंट पे के नेबरहुड में डिफाइंड होगा। सो हमने लेट कर लिया कि ए प्लस एच बी प्लस के एक पॉइंट है नेबरहुड ऑफ ए बी। देन हमने टारगेट सेट किया कि डिफरेंशिएबिलिटी अचीव करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा। सो उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि लेफ्ट साइड में एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। आप नोट करें तो ए बी पॉइंट का नेबरहुड हमने ए प्लस एच बी प्लस के लिया। सो हमने एक वैल्यू एड और सब्ट्रैक्ट इस तरह की कि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब राइट साइड की जो फर्स्ट टर्म है इसमें वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बट एक्स रिमेन्स फिक्स विच इज ए प्लस एच। सो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे। लिहाजा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जब सेकंड स्टेटमेंट पे अप्लाई किया तो इक्वेशन टू बन गई। उसके बाद एफ एक्स एट ए बी क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टेंस की वजह से हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की और इक्वेशन वन में जो सेकंड टर्म है विद इन ब्रैकेट उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये दोनों वैल्यूज बैक पुट की इक्वेशन वन में। अब राइट साइड अचीव करने के लिए हमने अगेन ट्रिक ये यूज की कि के टाइम्स एफ वाई एट ए बी क्योंकि एफ वाई एट ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू एड और सब्ट्रैक्ट कर ली। इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड शेप आ गई विद फाई फाई है और साई हम इस फंक्शन को लेट करें। अब फाइनली हमने शो ये करना था कि फाई साई फंक्शन जीरो को अप्रोच करते हैं एज एच के जीरो जीरो को अप्रोच करता है। तो इसके लिए क्लियरली क्योंकि एफ वाई कंटिन्यूस है वहां से साई जीरो को अप्रोच करेगा और फाई ऑलरेडी जीरो को अप्रोच कर रहा है। सो एफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अगेन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस किया। अगेन एक पर्टिकुलर केस
कि इन केस अगर हम एन टू लें और एम वन लें तो इस केस में डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह डिफाइंड होगी, और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस की और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस की, जिसमें एक एग्जांपल तो ये थी कि अगर कोई फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे मस्ट कंटिन्यूस होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हमने एक काउंटर एग्जांपल डिस्कस की। देन दूसरी एग्जांपल हमने कुछ इस तरह देखी कि अगर किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करें तो क्या वहां से गारंटी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, तो इसका आंसर भी हमें नो मिला। एक एग्जांपल हमने स्टडी की जिसके ओरिजिन पे पार्शियल डेरिवेटिव्स तो एग्जिस्ट कर रहे थे बट ओरिजिन पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। फिर हमने ये सोचा कि अंडर व्हाट कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी मिलेगी, तो हमने देखा कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी एग्जिस्ट करे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी कंटिन्यूस हो तो फिर ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट ए बी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरलाइज्ड केस डिस्कस करेंगे कि फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम इन जनरल डिफरेंशिएबल कब होता है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।